नासिक के पास स्थित येवला तालुका के नांदुर मधमेश्वर गांव के पास एक पिकअप गाड़ी के गोदावरी नदी में गिर जाने के कारण उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें निफाड़ के सरकारी उप जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वे सभी शादी में शामिल होने के बाद अपने गाँव जलगांव नेऊर लौट रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप गाड़ी में सवार सभी लोग सिन्नर में बारात गए थे। वहां से लौटते समय ये दुर्घटना घटी। पिकअप गाड़ी में कुल 15 लोग सवार थे। जलगांव नेऊर से 12 जुलाई को सिन्नर में बारात गई थी। ये सभी 15 लोग भी शादी में शरीक होने सिन्नर गए थे। वापस लौटते समय नांदुर मधेश्वर गांव के पास गोदावरी नदी के पुल पर पिकअप वैन के चालक का नियंत्रण छूट गया और वह अनियंत्रित होकर नदी में गिर गयी। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस घटना में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निफाड़ के सरकारी उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मृतकों में मधुकर घोले के साथ ही एक छोटी बच्ची सय विकास देवकर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, नासिक, महाराष्ट्र।